हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने जेजीडी एजुकेशनल चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए मॉडल पेपर 3 लेकर के आए हैं। नर्स एग्जामिनेशन मॉडल पेपर 3, जो ये रहा आपके सामने। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। एक क्यू प्रतीक का अर्थ है ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी फ्लूट, ऑप्शन सी डिस्टिल्ड वाटर एंड ऑप्शन डी ओनली वाटर। ऑप्शन डी राइट आंसर, वाटर। एक क्यू प्रतीक का अर्थ वाटर होता है, यानी पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लिफ्ट हार्ट फेलर के मरीज हेतु उपयुक्त पोजीशन निम्न है। ऑप्शन ए ट्रेंडलेन वर्क, ऑप्शन बी शपाइन, ऑप्शन सी हाई फॉलर्स एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी राइट साइड लैंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाई फॉलर्स। राइट, ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। DPT वैक्सीन को निम्न तापमान पर स्टोर किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए ग्रेट स्मॉलेस्ट 20 डिग्री सेंचुरी, ऑप्शन बी 18 to 20 डिग्री, माफी चाहते हैं सेल्सियस है, ओके, ऑप्शन सी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर डी, दिस इज लास्ट ऑप्शन, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, निम्न रक्त समूह सार्वत्रिक दाता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ए बी एंड लास्ट ऑप्शन डी ओ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओ। रक्त समूह सर्वाधिक दाता के नाम से जाना जाता है वो है ओ, ऑप्शन नंबर डी। स्क्रॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एनेक्सलेटिक ड्रग किस न्यूरोट्रांसमीटर पर कार्य करती है? ऑप्शन ए सेरोटोनिन, ऑप्शन बी डोपामाइन, ऑप्शन सी इपाइन फ्रेन एंड लास्ट ऑप्शन नेक्स्ट डी GABA गाबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनेक्सिलेटिक ड्रग गाबा न्यूरोट्रांसमीटर पर कार्य करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसे जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन 5। गाबा एनेक्सलेटिक ड्रग गाबा न्यूरोट्रांसमीटर पर कार्य करती है, ओके। नेक्स्ट, माइड्रिएटी साइक्लोप्लेजिक औषधि का कार्य है। ऑप्शन ए टू कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, ऑप्शन बी टू कॉन्स्ट्रिक्ट आइरिस, ऑप्शन सी टू डिलेट द प्यूपिल एंड लास्ट ऑप्शन डी टू डायलेट द आइरिस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, टू डायलेट द प्यूपिल। माइड्रिएट यानी साइक्लोप्लेजिक औषधि टू डिलाइट द पीपल का कार्य है, ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट 7।
आइए देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक एनीमिया के मरीज को आयरन टैबलेट दी जा रही है। नर्स मरीज का को भोजन में निम्न तत्व के प्रयोग हेतु सलाह देगी। वो क्या देगी भोजन के लिए? आइए देखते हैं चार ऑप्शन में से। ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी ऑरेंज जूस यानी संतरे का रस, ऑप्शन सी कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, मूली नहीं गाजर, ऑप्शन डी ऑल यानी सभी ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज जूस। एनीमिया के मरीज को आयरन टैबलेट दी जा रही है। नर्स मरीज को भोजन में निम्न तत्व के प्रयोग हेतु संतरे का रस के लिए सलाह देगी। ओके लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न औषधि ओरल हाइपोग्लिसेमिक एजेंट का उदाहरण है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी प्रोटामाइन G10 इंसुलिन, ऑप्शन सी निफोमिन एंड लास्ट ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेनफोर्मिन। फेनफोर्मिन औषधि ओरल हाइपोग्लिसीमिया एजेंट का उदाहरण है। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछा जाता है ज्यादातर, तो ये एग्जाम्पल ही पूछा है इसका। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉटरी का प्रयोग निम्न के साथ वर्जित है। वर्जित मतलब मना होता है। कॉटरी का प्रयोग किसके साथ मना है? ओके आइए देखते हैं। दिस इज माय फोर ऑप्शंस। ऑप्शन ए CO2 आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट ऑप्शन बी इधर, ऑप्शन सी हेलोथेन एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। यदि ये टू यहां पे होता तो कार्बन डाइऑक्साइड होता, यहां पे है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इधर। कॉटरी का प्रयोग इधर के साथ वर्जित है, मना है। नेक्स्ट, डिल्यूशन क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है डिल्यूशन क्या है, इसका आंसर ऑप्शन में दिया होगा। ऑप्शन ए परसेप्शनल और डिसऑर्डर, ऑप्शन बी थॉट डिसऑर्डर एंड ऑप्शन सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑप्शन डी न्यूरोटिक डिसऑर्डर। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, थॉट डिसऑर्डर। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नवजात शिशु के शरीर पर स्थित सफेद परत इंग्लिश वर्ड वर्डिक्स कैसियोसा निम्न कार्य नहीं करती है। वह कौन सा कार्य नहीं करती है? ऑप्शन ए इंसुलेशन, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन एंड ऑप्शन डी बैक्टीरियोलोसिस। राइट आंसर विल बी हैप्पी इन टू ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रिशन। नवजात शिशु के शरीर पर स्थित सफेद परत न्यूट्रिशन का कार्य नहीं करती है। राइट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रात को निद्रा यानी नींद पूर्व दी जाने वाली, नींद से पहले दी जाने वाली औषधि के लिए क्या निर्देश इंगित किया जाता है? ऑप्शन ए AC, ऑप्शन बी HH, ऑप्शन सी OD
एंड लास्ट ऑप्शन डी HOS। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HS। रात को नींद से पहले दी जाने वाली औषधि HS को इंगित करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती है। ऑप्शन ए साइक्लोसरीन, ऑप्शन बी सेफलोस्पोरिन, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लीन एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑल अबव ड्रग्स। राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। किस बीमारी में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए प्री ऑपरेटिव कंडीशन, ऑप्शन बी लिवर डाइसिस, ऑप्शन सी एडिशन डाइसिस एंड ऑप्शन डी ऑल अबव। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑल अबव उपर्युक्त सभी। ये जो ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों बीमारी के नाम है, बीमारी है जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट की सलाह दी जाती है। सो माय राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन नंबर डी ऑल अबव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न दो औषधियों को एक साथ नहीं दिया जा सकता है, वह कौन सी औषधि है ये जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एस्पायरिन प्लस वारफेरिन, नेक्स्ट ऑप्शन आयरन प्लस टेट्रासाइक्लिन, नेक्स्ट ऑप्शन सी लिथियम प्लस डायोरेटिक, ऑप्शन नंबर डी ऑल अबव आई मीन उपर्युक्त सभी। तो ये सभी दवाइयां एक साथ नहीं दी जा सकती। ये दोनों एक साथ नहीं दिया जा सकता। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी ऑल अबव, ऊपर के तीनों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अस्पताल के धातु उपकरणों मीनिंग मेटल इंस्ट्रूमेंट्स का विसंकरण निम्न प्रकार किया जाता है। अस्पताल के धातु उपकरणों का विसंक्रमण किस प्रकार किया जाता है, दिस इज क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी हॉट एयर ओवन, ऑप्शन नंबर सी यूवी रेडिएशन एंड ऑप्शन डी बाय ऑल अबव। तो यही सही होगा ऑप्शन नंबर डी बाय ऑल अबव। ओके क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। गर्भवती स्त्री को निम्न टीका लगवाना अनिवार्य है। जैसा कि सभी को पता होगा और ये हम दो बार बता चुके हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए बी सी जी, ऑप्शन बी टिटनस, ऑप्शन सी डी पी टी एंड ऑप्शन डी रूबेला। अभी इसके पहले जो हम वीडियो आपके लिए बनाए थे उसमें भी वे ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। आई थिंक वो 37 या 38 के नियर अबाउट कहीं होगा, तो आप पता ही होगा। सो कमेंट कीजिए और बता देते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर है टिटनस। टिटनस का इंजेक्शन लगवाने से ये प्रॉफिट होता है कि यदि स्त्री को कहीं घाव लग जाए या फिर कुछ हो जाए
उसका जो इफेक्ट है वो उसके बच्चे पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सो इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन गर्भवती स्त्री को लगवाना बहुत ही अनिवार्य है। नेक्स्ट, भारतीय भोजन में किस तत्व की कमी पाई जाती है? ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी मिनरल और विटामिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। भारतीय भोजन में प्रोटीन तत्व की कमी पाई जाती है। खाद्य की मिलावट की वजह से ये सब जो न्यू न्यू प्रोडक्ट्स आ गए हैं ना मार्केट में, इसकी वजह से इनकी कमी बहुत कम हो गई है। इनकी अधिकता बहुत कम हो गई है। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। नेक्स्ट, ड्रग थेरेपी जो लेप्रोसी के उपचार हेतु दी जाती है, ऑप्शन ए डॉट्स, DOTS, इसका फुल फॉर्म भी हम आपको पहले बता चुके हैं, ऑप्शन बी MDT, ऑप्शन सी ऑर्ट ART, एंड नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट डी एक्सरसाइज थेरेपी। राइट आंसर विल बी हैपेंड टू ऑप्शन नंबर बी, ड्रग थेरेपी जो लेप्रोसी के उपचार हेतु दी जाती है वो है MDT। दिस इज माई लॉक्ड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग की समयावधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 30 to 45 minutes, ऑप्शन बी 5 to 10 minutes, ऑप्शन सी 60 minutes एंड ऑप्शन डी 1 to 1/2 hours। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 to 10 minutes, यानी 5 से 10 मिनट तक समयावधि होती है किसकी, माइक्रो टीचिंग की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सीरियस मेम्ब्रेन जो फेफड़ों के संपर्क में होती है, ऑप्शन ए पेरिएंटल प्लूरा, ऑप्शन बी पल्मोनरी माइसेंट्री, ऑप्शन सी पल्मोनरी पेरिटोनियम एंड ऑप्शन डी विसेरल प्लूरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पल्मोनरी मेसेंटरी, जो कि सीरियस मेम्ब्रेन के फेफड़ों के संपर्क में होती है। नेक्स्ट, शिशु इन्फेंट में IM इंजेक्शन हेतु उपयुक्त साइट निम्न है, ऑप्शन ए एंटेरोलेटरल थाई, ऑप्शन बी एंटेरियर मिड थाई, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी ग्लूटियल मसल्स। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। यदि ऑप्शन में ये दे दे तो अक्सर करके सही ही होता है, यदि ना आए तो यही ऑप्शन लगाकर चले आना, लेकिन जहां तक की उम्मीद है आना चाहिए क्वेश्चन आपको। तो ऑप्शन ए एंटेरियो लेटरल थाई एंड ऑप्शन बी एंटेरियर मिड थाई दोनों सही है। सो मिला करके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई वॉन्ट टू लॉक ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, हेमोडायलिसिस के दौरान एक्सटर्नल शंट बनाने से सबसे गंभीर समस्या निम्न हो सकती है, तो वो कौन सी समस्या है आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेप्टिसिमिया, ऑप्शन बी क्लॉट फॉर्मेशन, ऑप्शन सी ब्लड लॉस एंड ऑप्शन डी ऑल अबव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्लड लॉस। हेमोडायलिसिस के दौरान एक्सटर्नल शंट बनाने से सबसे गंभीर समस्या जो होती है वो ब्लड लॉस होती है। ओके, आज के लिए इतना ही। यही क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे दूसरे वीडियो में, ताकि ये ज्यादा लॉन्ग ना हो सके। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।
जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।